सलामैकम व्यूवर्स व्यूवर्स आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है आज हमें हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और हमारे इधर करीब हैं थोड़ा डिस्टेंस है तो उन्होंने एक हमारे लिए गिफ्ट भेजा है मिनी जू के लिए तो आप कमेंट करके बताएँ कि कौन सी हो सकती है वो गिफ्ट कोई आइडिया है वो रही ये गिफ्ट ये रहा गिफ्ट जो हमारे व्यूअर्स ने भेजा है इसके अंदर क्या होगा कुछ सजेस्ट करें बताएं इसने एक बैग भेजा है माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था और मैं बाद में दिखाता हूं आपको लेकिन पहले आपने कमेंट करके बताना है कि इस बैग के अंदर वो कौन सी गिफ्ट हो सकती है हमारी तो माशाला काफ़ी अच्छी गिफ्ट है हमें पसंद आई और हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे खोलेंगे देखते हैं इसके अंदर कौन सी गिफ्ट है? जो हमारे लिए हमारे सब्सक्राइबर ने भेजा है और माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई है हमें कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे सेटअप को अपडे अपग्रेड करने में समझो कि हमारी हेल्प भी की है ये उनकी तरफ से ये भाई आपकी वीडियो ये देख रहे होंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जजाकल्ला ये आपने गिफ्ट भेजा है अल्लाह आपको और ज़्यादा दे माशाल्लाह से ये गिफ्ट पहुंच गया है हमारे पास ये देख सकते हैं अब इसको रखते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं ये हमें गिफ्ट मिला है ये है असील मुर्गा दिखा देते हैं आपको निकाल के ये भी देख सकते हैं माशाला से अब ये पट्ठा है ये भी आ चुका है हमारे पास ये देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा गिफ्ट है काफ़ी प्यारा गिफ्ट है इसको हमने पानी भी दे दिया है और रोटी भी दे दी है ज़मीन पे ही फिलहाल क्योंकि सेटिंग चल रही है इसको कहाँ पे रखें ये भी सजेस्ट करें क्योंकि हमारे तो जो पोर्शन है बड़ा उसमें तो रखे हुए हैं मोर ठीक है और उसके अंदर एक छोटे से पोर्शन बने हुए हैं एक में तो दरवाज़ा नहीं है दूसरे में दरवाज़ा है लेकिन उसमें हमने कुछ पीस अलग करके रखे हैं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होता है कि कोई अगर हमारे पास बीमार हो जाता है या जुकाम हो जाता है कुछ भी तो हम फ़ौर उसको अलग कर देते हैं ताकि दूसरे बर्ड्स को वो बीमारी ना लगे उसके बाद जो है हम फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं जो बीमार होते हैं अलग होते हैं बाद में उनको एक साथ रखते हैं तो ये वहाँ पे तो रख नहीं सकते हम तो आप कमेंट करके बताएं कि इसको कौन सी जगह देनी चाहिए और कहाँ पे रखना चाहिए क्योंकि फार्म तो काफ़ी सारा बड़ा है हमारा और जगह भी काफ़ी है माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है हमें तो बहुत पसंद आया भाई उस भाई का शुक्रिया और इन इसके लिए हम जल्द ही एक फ़ीमेल भी लेके आएंगे। और ये है हमारा मेल इसके लिए जल्द ही जल्द हम इसके लिए फ़ीमेल लेके आएंगे। फ़िलहाल हमने इसको बैट्स वाले रूम में ही रख दिया है और इसकी लेग जो है एक बांध दी है हमने ताकि ये कहीं भागे ना उड़ेना फिर तो बाद में जब फीमेल वगैरह आ जाएगी तो दोनों सेट हो जाएंगे और कहीं भी ये भागेगा नहीं एक साथ होंगे क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ये अकेला है तो उस लिए हमने फ़िलहाल ये बांध दिया है आज के दिन इसके लिए सोचते हैं और मिस्त्री भाई भी अभी काम कर रहे हैं तो उनसे भी सलाह सलाहते हैं कौन सी जगह इसके लिए बेहतर रहेगी और आप व्यूवर्स भी हमें कमेंट करके बताएँ कि कौन सी जगह पर हमें इसको रखना चाहिए ताकि गर्मी के हिसाब से भी अभी की वैसे भी मौसम सर्दियों का आ रहा है और सर्दियों में इनशाला इसके जो अंडे भी खाएंगे हम और इनके बच्चे भी करवाएंगे और हमारे पास पहले आपको पता है इनक्यूबेटर वगैरह होते थे तो कोशिश करेंगे कि दोबारा भी हम इनक्यूबेटर खुद ही बनाएं और इनक्यूबेटर की भी आपको वीडियो बना के दिखाएँगे कि के कौन कैसे बनता है इनक्यूबेटर और कैसा बनाना चाहिए और ये तो खोल रहा है ऐसे ना हो कि ये खोल ले और भाग जाए ओ भाई नहीं खोलो यार ऐसे नहीं करो तुम इधर ही रहना है अब कहीं नहीं जाना आज से तुम्हारा ये नया घर है और आप सब व्यूवर्स कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ये गिफ्ट सही है अच्छा है या नहीं है आप अपने अपने व्यूज़ दें ताकि हमें भी पता चले कि हमारे व्यूवर्स को ये गिफ्ट कैसा लगा तो व्यूवर्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें इन नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में हाजिर होते हैं फिर जजाकल्ला